कई बार ऐसा नहीं होता कि हमारे दिमाग में ऐसी बात चल रही है जो कि पता है कि अभी इस बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है, उसके बारे में बाद में भी सोच सकते हैं, या फिर वो दिमाग में इतना ज़्यादा बैठ जाता है कि कोई और काम कर भी नहीं पाता है, यानी कहीं भी फोकस नहीं बना पाता है, दिमाग में बार बार वही घूम रहा होता है, ये जानते हुए भी कि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, समझ आ रहा है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मतलब अगर वही अगर दूसरों को एडवाइस देनी हो तो हम दे सकते हैं, क्योंकि हमें एक तरफ से पता है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मान जा मेरे भाई, मत सोच इस बारे में, लेकिन फिर भी सोचते जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ, सिर्फ 5 या 6 मिनट में आपको वो चीज़ पता चलने वाली है जिससे आप अपना फालतू का सोचकर टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आपके आने वाले न जाने कितने घंटे, कितना टाइम आपका बच सकता है सिर्फ इस 5 या 6 मिनट की वीडियो से। सबसे पहला है कि हमारा माइंड कई बार इस वजह से अटका होता है क्योंकि हमारा ध्यान उन चीज़ों पर चला जाता है जो दूसरों के पास है, जो हमारे पास नहीं है। ये बहुत छोटा पॉइंट लग रहा होगा पर ध्यान से सुनना ये कैसे इम्पैक्ट करता है। अगर आप ऐसी क्लास में हो जहां 60% लाने से आप पूरी क्लास में टॉप करते हो तो आप ज़्यादा खुश रहते हो, बल्कि उतने ही परसेंटेज से अगर किसी दूसरी कॉलेज या स्कूल में जाते हो और वहां पता लगा कि 60% से आप तो टॉप 10 लिस्ट में भी नहीं आ रहे हो, तब आप खुश नहीं रहोगे, क्योंकि आपकी खुशी टिकी है दूसरों को मुझसे ज़्यादा मिला उस पर। तो ये नेचर स्कूल से ही आता है इंसान के अंदर और आगे ये चलता जाता है, बढ़ता जाता है। ये नेचर बहुत ज़्यादा रोकता है, दिमाग को कंफ्यूज करता है, ओवर थिंकिंग की दुनिया में ले जाता है, स्ट्रेस ले आता है। तो हमें ये चीज़ चेंज करनी है क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ऐसा होता है जो दूसरों में नहीं होता है। हम मतलब हम एक चीज़ पे क्यों टिके हुए रहते हैं कि यार ये इसमें ज़्यादा है। दूसरा है, आपको सब नहीं समझ सकते, सब आपको अप्रिसिएट नहीं कर सकते, सब लोग आपकी तारीफ नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे, क्या बोलूँ, ऐसे लोग मिल ही जाएंगे जो आपको पसंद नहीं भी करेंगे। देखो, कुल मित्र पर मैं कितनी भी अच्छी वीडियो बना लूँ और उसे अपलोड कर दूँ, डिसलाइक करने वाले फिर भी होते हैं। यूट्यूब पर दुनिया की सबसे अच्छी वीडियो भी होगी, उस पर भी आप जाओगे देखोगे वहाँ पर भी डिसलाइक्स होते हैं। दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान भी होगा, उसको भी डिसलाइक करने वाले मिल जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड होगी एप्पल कंपनी की अगर हम बात करें तो उसको भी पसंद ना करने वाले आपको मिल जाएंगे। जिसका क्या मतलब हुआ, हर इंसान का दिमाग उस तरीके से सोचता है जैसा उसने अब तक अपनी लाइफ में देखा, सुना और समझा। यानी वो इंसान गलत नहीं है यार, उसको गाली देने की जरूरत भी नहीं है, उसके दिमाग के अंदर पड़ी इंफॉर्मेशन बोल रही है कि आप अच्छे नहीं हो, आपका आइडिया अच्छा नहीं है, आपका लुक अच्छा नहीं है। यानी कि सब पसंद आपको नहीं कर सकते, आपका आइडिया, आपकी बातें हर कोई ज़रूरी नहीं है कि समझे। और अगर ये मान लिया आपने तो आधी से ज़्यादा टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी ज़िंदगी की, इस दिमाग की। तीसरा पॉइंट है, एक बार जब फ्रीडम मिल जाती है तब दिमाग अलग ही काम करता है। जैसे बचपन में साइकिल की चेन में ऑयल लगाते हैं तब साइकिल कितनी फ्री चलती है, उस तरह से दिमाग चलता है। तो ऐसा कब होगा, ये उलझे हुए धागे की तरह माइंड कैसे सुलझेगा, जब ये डर से हट जाएगा। डर कैसा, जैसे पैसों का डर। ऐसा तब होगा जब पैसों का डर चला जाएगा, और ये तब हटेगा जब कोई ऐसी स्किल आप सीख लोगे, कोई आपका ऐसा टैलेंट होगा जिससे आप पैसा कमा भी सकते हो और आपको पूरा विश्वास है कि मैं कमा सकता हूँ। ऐसा कुछ आपके अंदर आ जाए जो कोई छीन ना सके, कि आपको अंदर से ये लगे कि सब कुछ भी चला जाए तभी मैं फिर से उठ सकता हूँ, फिर से मैं अपनी इनकम शुरू कर सकता हूँ, तब ये पैसों का डर जाएगा। और कैसे मिलेगी फ्रीडम, इस माइंड को फ्रीडम कैसे मिलेगी, ऐसे लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करोगे जो हर बार नेगेटिव बातें ना करें, जो हर बार कंप्लेन ना करें, जो हर बार चीज़ों को लेकर रोने ना बैठे, क्योंकि वो चीज़ सबकॉन्शियसली आप अपने अंदर लेने लग जाते हो। चौथा पॉइंट क्या है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में सबसे ज़्यादा जो उथल पुथल होती है वो तब होती है जब सब्र कम हो जाता है, जब पेशेंस कम हो जाता है, धैर्य कम हो जाता है। एक बात नोट करना कि जो इंसान जितनी दुनिया देख चुका है, जितनी ज़्यादा चीज़ें कर चुका है वो अपनी लाइफ में, जितना ज़्यादा वो इंटेलेक्चुअल है उसमें उतना ही ज़्यादा पेशेंस होता है, उसमें उतना ही ज़्यादा सब्र होता है हर चीज़ों को लेकर के, क्योंकि उसकी समझ ही समझा देती है दिमाग में हलचल होने से पहले। इसी बात में एक और बात छुपी है कि उसे गुस्सा भी उतना ही कम आता है, जितना कम पेशेंस होगा उतना गुस्सा आएगा,
और उतनी ही तकलीफ होगी सही से काम करने में। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि गुस्सा मूर्खों की छाती में बसता है। पांचवा और सबसे आखिरी पॉइंट है, जितना ज़्यादा आपको पता होगा उतने कम चांसेस हो गए कि आप कहीं अटको, आप कहीं कन्फ्यूज़ हो, आपका माइंड कहीं अटके, आपका माइंड कहीं कन्फ्यूज़ हो। मतलब ये बहुत ऑब्वियस पॉइंट लग रहा, बहुत छोटा पॉइंट आपको लग रहा है, लेकिन इसकी गहराई समझने की कोशिश करना। जैसे अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो ये भी इन्फॉर्मेशन लेना हुआ, अब आपकी लाइफ में पहले से कम चांसेस है कि आप कहीं अटको। तो जितनी चीज़ें जानोगे उतने ही आप ऐसे बनते जाओगे कि आपका माइंड स्टक ना हो और आप दौड़ते रहो। नॉलेज इज़ फ्रीडम, इन्फॉर्मेशन इज़ फ्रीडम। अपनी लाइफ में और ज़्यादा ज्ञान देने के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं कुछ वीडियोस जो होती है मेरी यूट्यूब की उसको मैं समराइज़ करता हूँ और छोटे छोटे पॉइंट में पोस्ट बनाकर भी वहाँ पे कुल मित्रा के इंस्टाग्राम पेज पे मैं पोस्ट कर देता हूँ। वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं आप, डेली लाइफ में मेरी पोस्ट देखोगे तो आपको एनर्जी मिलती रहेगी काम करने के लिए। और अगर आपने इस वीडियो को पूरी देखी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी लाइफ में कुछ नया सीखा है। और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपने इस वीडियो को पूरी देखी है। जब मैं किसी के भी कमेंट पढ़ता हूँ कि उसने मेरी वीडियो पूरी देखी है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि किसी ने मेरे को पूरा सुना। थैंक यू सो मच गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आपका न्यू ईयर बहुत अच्छा हो। मैं शकील कुलमित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।